ओके, तो आज हम बनाएंगे ब्रोकली हेल्दी बिरयानी। आइए बनाते हैं। सबसे पहले आपको चावल लेने हैं। मैंने यहाँ पे 1 गिलास चावल लिया है, और फिर उसे चावल्स को आप अच्छी तरह देख लीजिए भी इसमें कुछ है तो नहीं गंद वगैरह, वो सारा साफ़ कर लीजिए चावल। फिर हम चावल्स को अच्छी तरह वॉश करेंगे, ठीक है। मैंने एक डोंगे में डाला है, अब मैं इन्हें वॉश करूँगी। 2-3 बार आप वॉश कर लीजिए। फिर एक हम पतीला लेंगे, उसमें चावल हमारा 1 गिलास है तो हम पानी डबल लेंगे। मैंने 2 गिलास पानी डाला है। अब मैंने पानी को रख दिया गर्म होने के लिए। अब देखिए आपको पानी में बबल्स दिख रहे होंगे, थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें राइस डालेंगे, ठीक है। राइस डाल दिया, अभी राइस को हम बनने के लिए। अब बिरयानी के लिए हमें जो वेजेस चाहिए वो है टमाटर, कैप्सिकम एंड अनियन। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कैप्सिकम आप येलो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी विश है। अब मैंने इसमें, फिर उसके बाद मैंने लिए ब्रोकली, और मेन पार्ट है जो ब्रोकली का ये पीछे वाला पार्ट है, इसको मत आप भूलना। इसको आपने क्या करना है, ब्रोकली का पीछे वाला पार्ट कट करके देन इसको आप पील कर लेना है। आपने पील करके फिर उसके बाद हम, ये देखिए अच्छी तरह आपको दिख रहा है पील हो गया। अब हम इसे चॉप करेंगे। मैंने चॉपर में डाल दिए हैं, आप जितनी ब्रोकली डालेंगे आपकी विश है आप कितना करना चाहिए। ओके, अब मैंने इसे चॉप कर लिया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, उसे थोड़ा सा गर्म होने दें। फिर सबसे पहले हम उसे उसमें जीरा डालेंगे, ठीक है। जीरा डाल लिया है हमने। अब मैं इसमें डालूँगी अनियंस, अनियन हमने डाल दिए हैं। उसे थोड़ा सा आप भून लें, जब थोड़ा सा पिंकिश सा हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें पिंकिश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें ब्रोकली डालेंगे। ब्रोकली को हमें मतलब पकाना है, ठीक है। अब मैं आपको सारा कुछ ये लाइव दिखा रही हूँ, सो इजीली आपको पता लग जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी सेम आपको ऐसे ही, मतलब ज़्यादा भी आपको बिल्कुल भी गला नहीं देना है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहने देना है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब सारे को हम अच्छी तरह करेंगे, फ्राई करेंगे। अभी इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी सॉल्ट डालिए। यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून सॉल्ट लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली लूँगी, मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली ली हैं, ठीक है, फॉर स्पाइसी टेस्ट। मैं रेड प्रेफर नहीं करती ज़्यादा, मैं ज़्यादा ग्रीन चिलीज ही प्रेफर करती हूँ। ओके, तो भी इसे हम अच्छी तरह कर लेंगे। अब थोड़ा सा हमारा जब सोते हो जाएगा, रेडी हो जाएगा ये बस। ओके, सो नाउ हमने जो ब्रोकली का जो बैक का एरिया होता है, डंडल उसे कह देते हैं, तो उसे हमने चॉप करके अब हम लास्ट में डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, यू गाइस शुड ट्राई। ओके, अब ये हमने डाल दिया, अब से हम इसे सोते करेंगे। अब आपने 4 to 5 मिनट्स मतलब इसे कर देना। अब इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी, मैंने 1/2 कप पानी लिए। हमारे जो राइस हमने बनाने के लिए रखे थे, अब हम वो हम राइस इसमें डाल देंगे। सारे राइस डाल के फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो हमारी बैचेज हमने हैं वो पूरी अच्छी तरह हमने मिक्स कर देनी है। देन मेन इंग्रेडिएंट है हमारा जो अमूल काओ घी, तो इसे हम डालेंगे। इसका जो टेस्ट आता है गाइस, मेन इंग्रेडिएंट है ये, आपको लास्ट में घी डालना है जब आपका रेडी होने वाला होगा। मैंने यहाँ पे 2 स्पून घी डाला है। देन मिक्स इट वेल, अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। ओके, तो तैयार है हमारी बिरयानी। खा के बताइए कैसे लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।